आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख आवाज़। पर जिस तरह इस साल पहली बार एप्रिकॉट ब्लॉसम के नाम पे यूटी लद्दाख में एक फेस्टिवल मनाया गया जो दाब्यामा से और दाब्यामा दर्शिसगर कुंज होते हुए आज करकिचु गांव में 19 अप्रैल को इसका आखिरी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि ब्लॉसम तो पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। जनाब आगा सईद तोहा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रिवायती खतर पहना के मेहमान अजीजों का इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। ये जो सुप्रीम ब्लॉसम फेस्टिवल था एप्रिकॉट, इसको मनाया जा रहा है और आज इसकी आखिरी कड़ी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे आज के मेहमानों खुसूसी में और रिवायती जो हमारे मंदूसात हैं उनका एक एग्जीबिशन एक स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है। तो मैं मेहमान खुसूसी ये आपका मर सर दरबा सर इसके अलावा सर जो जीवन है इसमें यह सर ये तो खैर कमून नहीं हो रहा है। जैसे एक आदमी अगर पांच गाय रखेगा तो पांच कमर जमीन के सब्सक्रिप्शन मजबूत नहीं मिला सकता। लेकिन इसमें छोटा सा जो कॉस्ट है जो है एप्रिकॉट ब्लॉसम का जो सिलसिला है हर जगह पे प्रोग्राम चल रहा है। ये चलो
सरपंच बाकी पार्ट्समैन जितने भी यहाँ पे हर गांव से और टूरिस्ट जितने भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री आई लॉट ऑफ लाइक टू वेलकम देम फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस इवेंट और मीडिया के लोग लोकल्स यहाँ पे हर गांव के यहाँ पे पार्टिसिपेशन है मैं उन सबको ऑन बिहाफ ऑफ यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट मैं सबको इस मौके पर वेलकम करता हूँ और मैं ये आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा स्पेशली ऑनरेबल सी एसी साहब ऑनरेबल ई सी टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स आपका जो फिरोज साहब हमारे डायनेमिक इंजीनियर पंचायत प्रशी साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टूरिज्म एंड संस्कार अफेयर टूरिज्म डिपार्टमेंट के जनाब आका तोहा साहब और बाकी जो विलेज पार्टिसिपेशन के एक कीन इंटरेस्ट से ये जो रिकॉर्ड ब्लूजमिंग फेस्टिवल है इसको काफ़ी साल से हम लोग मना रहे हैं और कामयाब तरीके से मना रहे हैं जैसे इसकी तफसील अभी आका साहब ने आपको दी इस फेस्टिवल को मनाने का ये मकसद ये भी है कि यहाँ पर न सिर्फ रिकॉर्ड ब्लूजमिंग ही नहीं बल्कि हमारे लोकल कल्चर को हमारी आइडेंटिटी को हमारे डाइटरी फूड्स को भी एक पहचान मिले और आज जो मेहमान जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ तशरीफ आए हैं मैं उनका बहुत दिली तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ काउंसिल की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ के लिए बासियत इम्तिहान शुरू होता है तो मैंने वो सज्जाद अली से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ ला के अपना कलाम पेश करें इन्होंने सज्जाद अली شفايود شاه حسن ابن علي يا نتيم بقس صدامد لك سرقا مسمتي Thank you.
सी है दरला Iulum carpogiure mioso, giulim in doge tolesso. Iulum carpogiure mioso, giulim in doge tolesso. Ma iul gondil pure mioso, giulim in doge tolesso. Asiju, giapak simbar na chalbella, snapi tsangman la tsangsapa. Giapak simbar na chalbella, Snape tsangman la tsangsapa. Dinas gyum sap ure ni osu, julim in doge tolesu. Maksiju, urgunian dod yul tsales kyo tan. Urgunian dod yul tsales kyo tan, nirin moche yuli sharbon. Penesum pus pure ni osu, julim in doge tolesu. Pozate, ha! Hanji, hanji. जी इतराज बहुत अच्छी हाँ जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हो घूमने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट डे हम हाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे हम करगिल वापस। हाँ नेक्स्ट डे हम करगिल के सराउंडिंग ही हाँ घूमेंगे। हाँ वहाँ पे बॉर्डर एरिया है। हाँ जी जो हाँ हाँ बॉर्डर मोची हाँ हाँ तंग स्वीट बोला करे यो मी यो इधर खुबानी नहीं मिलेगा। खुबानी खुबानी मिलेगा दुकान में। हमारा खुबानी करगिल का बहुत बेहतरीन है। अच्छा अच्छा हाँ, इसको अगर आप खाओगे ना बहुत मीठा है। और आप एक खुबानी खाएगा तो आप गुड खाना भूल जाएगा। अच्छा समझ गया, इतना मीठा है तो ये एक टेस्ट के ले देना। ये पैकिंग में है, आपको पूरा पैकिंग लेना पड़ेगा। एक अभी हमारे पास खुला नहीं है। हाँ ये क्या फिर ये है जनाब, ये है खुबानी का तेल है। तेल जूस क्या हो गया, जूस नहीं है ये तेल है खुबानी का। इसका काम क्या है इसका? वाह ये बहुत सारा काम का। थैंक यू लसमो। हाय गशे यो जु नई लम को गशे ने यूल पो मी सोचे सो से कुछ सु लस नने में कौन सो कशी यंग शफ न ब्योर लोक का खोर ये सब कौन सो कशी यंग शफ न ब्योर लोक का खोर बोला कि रोज क्या कुछ सु रखन यंग सो से ने यो छक्का यंग फेत जेरे जु नी फयुल बोला यो छक्का यंग फेत जेरे जु नी फयुल बोला शांचन न हम बचन न सुयंग में पढ़ गए में शांचन न हम बचन न सुयंग में पढ़ गए में फहमूली फसना फसना इना यद नि यूल पवेंग फहमूली फसना फसना इना यद नि यूल पवेंग मेंदो रिस्ती न रिस्मान इस्मांग में पिलोंगे में मेंदो रिस्ती न रिस्मान इस्मांग में पिलोंगे में कुशू जेत न जोजू चुली जेत न चितोयो कुशु जत न जोजु चुली जत न चितोयो सरसिंग उसे न स्तरगा न फहमूली थंगे में सरसिंग उसे न स्तरगा न फहमूली थंगे में यूल पो नरगशे यो जुन नहीं नाम पो गशे इडी सब दिखे होगा। ठीक है इडी सब गान ना सिंसे यूल पो न थसे तेरे गे यो अतरंग रंग। अच्छा यूल पो न थसे तेरे गे यो अतरंग रंग निंग सिख से गए यूल पो लते हम न आवे में यूल पो न फैसे ते तेरे गे यो अतरंग रंग निंग सिख से गए यूल पो लते हम न आवे में वन जतन थों जो जम पो चल जी दखमो दुख न छस ने जो वन गए आशेम जो हमेशा इन न जगल खोलो जो दिल हगा मिसरा
زد زد آشونی شور کو زگان کو زگان کو احترام انجینر پونچو تشریف صاحب فخر قوم پدما شری الحاج اخون ازر علی بشارت صاحب و دیگر شورا و اہلیان کرگی چھو بالخصوص دور دراز ملک و غیر ملکی سیاح حضرات آپ سب کی خدمت میں بہت بہت خوشی اللہ السلام عرض ہے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے بالخصوص اہلیان کرگی چھو کی جانب سے دو مسئلے اردو میں ہمارے کھرا اترے تیرے معیار و شخصیت میں جو کھرا اترے بلا و لفظ و سلیقہ کہاں سے لاؤں میں بلا و لفظ و سلیقہ کہاں سے لاؤں میں خدا سے مانگتا ہوں بس یہی دعاؤں میں گزر ہو زندگی تیری خوشی کی چھاؤں میں ضرور نیک شگوں ہوگا دیکھ انشاءاللہ ضرور نیک شگوں ہوگا دیکھ انشاءاللہ قدم جو آپ کے پڑے ہیں میرے گاؤں میں قدم جو آپ کے پڑے صاحب معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ وقت کا تقاضا ہے اور کہا گیا ہے کہ دو منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لیں میں حق ادا کر رہا ہوں اپنی مادری زبان کا آپ میں سے کئی شاید میری زبان کو نہ سمجھے لیکن بتایا گیا ہے کہ اپنی اپنی زبان کی یہاں نمائندگی کرنی ہے تو شناز زبان میں آج کے اس میلے کی مناسبت سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں چوری میں دکھ تھے بلتے جا شنا جا تھے جرو فنرے چوری میں دکھ تھے بلتے جا شنا جا تھے جرو فنرے نہ جو بڑھ نش دنیا تھی جا سدر چھ این جرو فنرے چوری میں دکھ تھے بلتے جا شنا جا تھے جرو فنرے شکر جناب کمال بود ہن سوال بود ہن نت فنرو جا جمال بود ہن کمال بود ہن سوال بود ہن نت فنرو جا جمال بود ہن جلے گین دش دشیر خوشبو چکیا تا تین جرو فنرے جلے گین دش دشیر خوشبو چکیا تا تین جرو فنرے چلی من دکھن بلتی جا شنا جا تین جرو فنرے کرے ہر داس کرے گر کن کرے چلی چند کرے دارچک کن کرے چلی چند کرے دارچک تو کر کی چور انو دے زر فنی گین تین جرو فنرے چلی من دکھن بلتی جا شنا جا تین جرو فنرے لجو بخنش دنیا تیجا سودا چے تین جرو فنرے کمال بودھن سوال بودھن نی فنرو جا جمال بودھن جرے گین دش دشل خوشبو چکیا تا تین جرو فنرے چلی من دکھن بلتی جا آپریشن وجود میں آنے سے پہلے اس علاقے کو ایپریکاٹ روٹ کہا جاتا تھا کیونکہ ایپریکاٹ اسی راستے سے آیا یارکن سے کیٹو کی دامن سے شیگر وادی شیگر میں یہ وارد ہوا جو ہمارے اس خطہ لداخ بلتستان گلگت کے یارکن سیٹ کا پہلا ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے کیٹو یہ ماؤنٹین آتا ہے وہاں سے آنے کے بعد پہلا ڈیسٹینیشن ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام شیگر کے آخر میں گاؤں ہے اس گاؤں کا بستی نام ہے پھڑنگ بنگما بنگما مینس سٹور جو لداخی میں بھی ہم اس کو بنگما کہتے ہیں پرگی میں بھی کہتے ہیں بستی میں بھی اس کو سٹور کو ہم بنگما کہتے ہیں تو وہ خوبانی بنگما ایک گاؤں ہے جہاں پر بلتستان میں ریکارڈ بلیسن فیسٹیول آج پچھلے دن ہو رہا تھا ہم نے فیس بک پر دیکھا تو آج اس کا نام رکھا ہے خوبانستان اردو کے انفلوئنس سے پاکستانی انفلوئنس ہے اگر آپ اس پر تھوڑا ریسرچ کریں گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو مل سکتا ہے ان کی کتاب بلتستان میں خوانی کے آمد کی تاریخ پھڑنگ بانگما اور شیگر سے نزدیک میں اسکردو پڑتا ہے خپرو کھرمن چھوڑ بچ سے کرگل اور ہنزا نگر میرے دل کی صدایا سب کا ہو مرحبا یا اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدایا
सबका हो मरहबा या हुसैन। किस नूर की आमद हुई सजदे में है फातिमा, हर दौर की यजीद का होने लगा खातिमा। कर्बला से आवाज आई लो गया या हुसैन, मेरे दिल की सदा या हुसैन, सबका हो मरहबा या Ninkun kola shitzer mizgani gzgola so mizgani gzgola gozguze gana khama oze mizgani gzgola gozguze khana gana khama oze tiopika kose so nasi pizneka lovets narozishi narozishi kanzok bide hnu tul pergamomet narozishi kanzok bide hnu tul pergamomet kovul kuni yul staki trigan yul la kharetze Gomoni hiyusta pi hahan pastore sonse kya khochi kya khoda poru prakda se mundarla rubetse sungunda punan na skori min doktore sonse sungunda punan na skori min doktore sonse na sechi yuni yaxse na shahmal la zugetse sungunda punan na skori min doktore sonse na sechi yuni yaxse na shahmal la zugetse Gulbul namayon sa store sandyun sagase sa sona si tobyon zere la fonda koretze. Diu zamindar gon ati kisan gon ajus na piun la salamin diu brak kun tile jin shtos pi de saget pastore gona. Brak kun tile jin shtos pi saget pastore gona na jina taba pasa na yu posi tabetze. Brakun tile jin shtos pi saget pastore gona na jina taba pasa na yu posa Tabetzer, yungati bu molu kuzarışın cu, zbergan kaçırı çönmezü seyşkan bu, hoş olsun. Zbergan kaçırı çönmezü seyşkan bu sepşik set. Bıratase bu mol son derecek daha baruk etsin. Zbergan kaçırı çönmezü seyşkan bu sepşik set. Bıratase bu mol son derecek daha baruk etsin. مشکل کشا ابا سری حسین را جلت فدا چوک ہزے تے حق ادا بوئی تو گشا کے جدا کشا عباس علی گوئی جے تو گا شکے جدا مشکل کشا عباس علی اللہ وقت میں پانی سے مختصر چاند دو بدن لنگس یوڑی باشندے سر بکا دین نتی فاہر قوم دینا کاریو پیر اسکان سر ونا کنچو پیسی کارنا شکریہ دا بیت کیا تانی تا تیمتی وقت میں روکت میں سے
डिग्री फेस्टिवल पर निशान यतीशते वाना चुली में दो टाइम फ्रांसी निजू साधे साधे से रंग सुम स्वेट जिस में साधे रंग ना कि रंग जिस स्वेट दे फरिश ना से दे जो कुछ भी नहीं जो गहे सुन पो गहे मार पो गहे सर पो गहे कर पो गहे सुन पो गहे मार पो गहे सर पो गहे कर पो लोखोर यान सहमजाती रंग जिस वे नियोत ले चुली में दो शगरगुनी जचस इन पा चुली थुन खन पले जरे शगरगुनी जचस इन पा चुली थुन खन पले जरे दोसे ना ख्या ना फ्युकुनी स्केरे जरे नियोत ले चुली में दो वाना ती ngatam la kali zeri dalam som rejut mati chuli gat hanzer badu franti jo la da ga yot pa chan rakse zozila da se nas mudo la da ga yot pa chan rakse zozila da se nas mudo do se kya india gale dubai go yot le chuli men do su daftarian qalam kure سو کم کوره کریپ سیلا سو دفتریان قلم کوره سو کم کوره کریپ سیلا جمال لانسه نتنگین بو جمال لانسه نتنگین بو چوکی بینیت لی چولی من دو Respected Sisi Sahib, Firoz Khan Sahib, Executive Councillor Unsof Kushi Sahib aur Hazirin e Majlis. Assalamu alaikum. Main bahaisiyat BDC Kargil aap sabhi mehmanat ka istiqbal karti hoon aur muntazimin ne mujhe daawat diya hai iska main mahkeme se aap ka aste hai dil se shukriya ada karti hoon. Bhaiyo aur behno, यूं तो पूरे करगिल के हर इलाके में, हर गांव में, हर इलाके में कोई ना कोई कुदरती वसाइल मौजूद है जिससे हम और आप इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, लेकिन खुबानी एक ऐसा मेवा है जो हमारे मुल्क तो क्या दुनिया के बहुत कम इलाकों में पाई जाती है। खुबानी एक अलग पहचान रखती है अपनी। इस नौयत को देखते हुए मैंने पिछले साल यूटी लद्दाख के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर साहब से गुजारिश की थी कि हमारे इलाके में एपिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मुनाकिद किया जाए। जी, आर के माथुर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए, गुजारिश को कबूल करते हुए जिले करगिल पर क्या पूरे यूटी लद्दाख में के बहुत सारे गाँव जिससे दर्शी गरकोन संजय करकिचू हरदास बेमा दहानुस ऐसे इलाकों में आज चेयरमैन एलएचजीसी कारगिल आपकी इसी इलाके के मैडम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मैडम खदीजा जी, सरपंच साहिबान और आपकी इस इलाके के शान करगिल के पहचान अपन असगर बशारत साहब जो कि हमारे पद्मश्री अवार्डी से यहाँ से तहसील बाय शोरा साहिबान, डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान, हमारे फौज के भाइयों और बहनों, खासकर इस इलाके करकिचू के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं सबको मेरा जुले और सलाम। बहुत खुशी हुआ कि पहली बार आपकी इस इलाके में आने का ये मौका मिला हमारी फेस्टिवल के माध्यम से। और हम सब जानते हैं कि करगिल एलएजीसी कारगिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों करगिल के हर इलाके में जहाँ जिस किस्म की पोटेंशियल होगा उसको उजागर करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। एलएचजीसी करगिल फिरोज अहमद खान के कायदत में तरक्की की हर मंजिल छू रहे वो आप सब लोगों को मालूम है। बीते हुए कल हमारे एलएचजीसी करगिल का 2022 का बजट पेश हुआ और उसमें आपके यहाँ के काउंसलर अल्ताफ साहब, हमारे करगिल के अपोजिशन के लीडर नासिर साहब ने इसी टूरिज्म को लेके कम से कम 10-15 मिनट का उन्होंने डिस्कशन किया कि करगिल में हम टूरिज्म को लेके हम क्या कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, आज तक क्या किया है,
तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज जो है ना मैं सुबह जब आया तो मैंने यही सोचा कि अव्वल तो हमारे यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम का ये अभी खत्म हो चुका है इख्तियार की थोड़ा सा हमें इस साल तो वैसे भी जो है ना एक अननेचुरल से जैसा पूरा गर्मी जो है पूरे हिंदुस्तान भर में हुआ है, नहीं तो इस वक्त द्रास से लेके शुरू इलाके और सांस्कार के वादियों में जो है ना बर्फ कम से कम एक डेढ़ फुट बर्फ होता, लेकिन गर्मी जल्दी आने की वजह से हमारे ये फ्लावर जो है ना अभी तक नहीं रहा नहीं है। तो मैं यही सोचता था कि ये फेस्टिवल जो है ना काफी मायूस जैसा फेस्टिवल होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद और खासकर हमारे मेहमानों को इतने टूरिस्ट यहाँ पे आए जबकि मैंने करगिल की किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं देखा, ये आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं, लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इसी दिशा में जो है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के आगा पवार साहब और रसूल साहब, और क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत सारे बहुत कम लोग हैं जो इतने मेहनत करते हैं इतने सालों से जो है करगिल थोड़ा दुनिया ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म जनाब इंजीनियर कुलसुख कशी साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल करगिल ब्लॉक के चेयरपर्सन मैडम खतीजा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बल्कि हमारे इलाके के फख्र कौम पद्मश्री अवार्डी जनाब खून अली बशारत साहब, शोरा हजरात एडी टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट टूरिस्ट जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे कटिच्छू इलाका और इससे इसके इर्द गिर्द गाँव से तशरीफ लाए हुए हमारे बुजुर्गों बहनों और अजीज बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट और इनके साथ जो भी जुड़े हुए थे उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो चुली मेंढक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया कटिच्छू में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काफ़ी पर्पसफुल था। पर्पसफुल इसलिए था कि कल जब जनरल काउंसिल मीटिंग में आपका एप्रिकॉट ब्लॉसम पर ये जो चुली मेंढक फेस्टिवल पे डिस्कशन हुआ तो बहुत सारे काउंसलर्स ने कहा कि ये बहुत बेमाने हैं, क्योंकि अगर आपने संजक में किया इससे पहले या गरकोन में किया तो ये पूछने लगे थे कि लगे कि कितने टूरिस्ट हैं वहाँ पे, क्योंकि दर्शिक्स के लोगों को या गरकोन के लोगों को तो चुली मेंढक देखने की जरूरत नहीं है और आपका संजय के लोगों को चुली मेंढक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आके मैं टशी साहब से बात कर रहा था कि इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए तो इससे हमें ये लगता है कि जिस पर्पज के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया है वो पर्पज भी काफी हद तक हमारा सॉलो हुआ, यानी हम उस मकसद में कामयाब हुए और इससे हमें और भी हौसला मिलेगा डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजर्स को कि हम इसको आने वाले सालों में इससे भी बेहतर तरीके से और भी ज्यादा पब्लिसिटी देके इसको ऑर्गेनाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो इन चीजों को देखने के लिए यहाँ पे आए। और साथ साथ जो यहाँ पे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टाफ लगाए थे जिसमें हमारे जो खान पान है और पुराने चीजों को भी यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया था वो भी उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने उन चीजों को प्रिजर्व रखा है और साथ ही टूरिस्ट जो हमारे आए थे उन्होंने भी उनको बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो मैं इन शॉर्ट आपका इस अपने स्पीच को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक तो ये कि इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा कहूँगा, उसके बाद जो आपके इलाके का जो इतना खूबसूरत गांव है लेकिन बहुत सारे मुश्किलात आपके हमारे शोरा ने अपने शहर में भी बयान किया, उसके बाद हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ पे जिन्होंने एमकॉम किया है उन्होंने भी यहाँ पे तफसीलन बयान किया, अखुन बशारत साहब ने भी। तो ये जो टूरिज्म जो फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया आपका, इसका मकसद तो हम सब जानते हैं कि जो चुली मेंढक होता है आपका ये एक बहुत ही बड़ा अहमद खान ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डेवलपमेंट काउंसिल मेहमान जीवकार जनाब इंजीनियर कुलसुख काशी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टूरिज्म एंड जस्कार एफियर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, और दोनों का ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने मसरूफियात के बावजूद हमारे हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ लाए। सर मैं अपने महकमे की तरफ से बाकी तमाम मेहमानों का खासकर यहाँ के बीडीसी मैडम का जिन्होंने कई दिनों से यहाँ पे दूसरे गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करा के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही मैं
पद्मश्री अवार्डी जनाब आखुंद असगर अली बशारत साहब का कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए सर, और साथ में रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का, मोहतरम शोरा हजरत का जो अपने मसरूफियात के बावजूद भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कहने पर यहाँ पे तशरीफ लाए और इसमें बच्चा का हिस्सा लिए। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ सर, तो बाकी हमारे यहाँ पे तशरीफ लाए आर्मी ऑफिसर्स एंड पर्सनल्स का, जनाब अमीन पोलो का, एजाज मुंशी साहब का, करकिच्चू गांव के नायब सरपंच, बुजुर्ग माँ बहने, स्कूल के बच्चे, यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले तमाम डिपार्टमेंट्स का, माँ बहनों का जिन्होंने अपने यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, इतनी फूड प्रोडक्ट्स हो उनका यहाँ पे स्टॉल लगाए, और खुसूस पूरे गांव वालों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हमारे इस फेस्टिवल को कामयाब करने में आप लोगों का बड़ा ही रोल रहा, बड़ा ताउन दिए कि आप लोगों से हमारे इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आखिर में मैं जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कारगिल आवास से ताहा साहब से गुजारिश करता हूं कि माह रमजान की वजह से हम यहां पे आप लोगों को रिफ्रेशमेंट सर्व नहीं कर पाया, तो हमारे चीफ गेस्ट और ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए छोटा सा रिफ्रेशमेंट गिफ्ट वाचर हमने तैयार किए सर, तो वो दे दें। और साथ ही में हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट जो मुख्तलिफ जगहों से जो आर्टिस्ट आए वो खरगोश से आए या दूसरे जगहों से आए, और साथ में हमारे पूरे इन तीनों जगहों में जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए इनमें मीडिया हजरात का बड़ा रोल रहे सर, दिल से आए हैं, लेह से भी आए हैं सर, इनका बहुत बड़ा शुक्रिया। फेस्टिवल का नाम भी दिया गया है, आज ये यहाँ करकिच्चू में इसका कंप्लेंट हुआ, इससे पहले इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने आपका गर्भपुर संजाप में भी ऑर्गेनाइज किया है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ क्योंकि इसका पर्पस एक ही है, एक तो ये है कि जो हमारा चुली है, हमारे रिकॉर्ड है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आया हुआ है उसका प्रमोशन प्लस टू प्रमोशन, तो हमें बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर ये देखते कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट से यहाँ पे तशरीफ लाए थे, तो जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया उस पर्पज़ में काफ़ी फुलफिल हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो फेस्टिवल है ये आने वाले सालों में इससे भी बढ़ चढ़ कर जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करें और साथ साथ जो है हमारे रिकॉर्ड कर दिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी जो कंसर्न हमारे डिपार्टमेंट है उनको लेके वहाँ आके वहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को बचाएँ, एंड वापस सॉरी लिफ्ट एरीगेशन के जरिए हो या सोलर पम्प के जरिए हो, कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके हम उन चीज़ को एप्रिकॉट चीज़ को बचाएँ।